टुडे अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये है हमारी ओल्ड बिल्डिंग, अभी इस पे खपरेल वगैरह पड़ी हुई है, इसको हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पर बनेगी नई बिल्डिंग। मटेरियल जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब तक इसको बनाएंगे तब तक मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ जो अभी बन रही है। ये उसी का मटेरियल पड़ा हुआ है, रेते वाले ने रेता जो है ये अच्छा नहीं भेजा है, बहुत ही गंदा रेता है, इसमें मिट्टी मिक्स है। और चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो अभी बन रही है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और ये है नया बिल्डिंग जो बन रहा है, लगभग 5000 ईंट जो है इस बिल्डिंग में लग चुकी है और 5000 माल अभी जो है पड़ा हुआ है ईंट, ठीक है। और बाकी ये हमारे मिस्त्री लोग चल रहे हैं, मौसम आज अच्छा है। अब देखिए कॉलम की भराई चल रही है और बूंदाबांदी भी मुझे लग रहा होना स्टार्ट हो गई है। आज भरे गए हैं 1, 2, 3, ये चौथा कॉलम भरा जा रहा है। बाकी ये साहब हमारे जो हैं कालम बना रहे हैं, माल जो है सुबह बनाया था वो ख़त्म हो गया, नया माल बनेगा, ठीक है, मौसम को देखते हुए। बारिश हो गई तो फिर नहीं बनाएंगे। बाकी ये 12x12 के अपने दो रूम हैं, ठीक है, एक ये 12x12 का है और इसमें बीच में ये पर्दा पड़ेगा और 12x12 का वो रूम है, ठीक है। दूसरा ये हमने इसमें एक विंडो लगाया है, ये मिस्त्री जी होगा 5x3 का, कितना, 6x4 का, 5x4 का, और गेट है 8x4 का गेट है, 8x4 का ये गेट है। और दो विंडो हमने इसमें लगा दिए, एक वहाँ पर एक यहाँ पर। वैसे एक विंडो हम यहाँ पर लगाने वाले थे, लेकिन ये जो गली है वो प्राइवेट गली है, उनकी अपनी पर्सनल है, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, भाई गांव का माहौल ऐसा ही है, तो हमने वहाँ पर हटा दिया। अपना गेट, मेन गेट यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये बैठक आएगी और यहाँ पर हमारा किचन आएगा, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम अटैच आएगा, उसके बाद इधर ही गैराज बनेगा हमारा और जीना इसी के ऊपर से जाएगा, जहाँ पर ये खड़े हैं वहाँ पर ऊपर लिंटर पे चले जाएगा। मेन मिस्त्री हमारे यही हैं। रियल बात मैं आपको बता दूँ, ये सारा बन रहा है यूट्यूब की कमाई से। हाँ जी, ये सारा पैसा जो मैं लगा रहा हूँ इस बिल्डिंग में, वो सारा का सारा यूट्यूब से मैंने कमाया हुआ इसमें लगा रहा हूँ। 4 साल में मैंने इतना कमा लिया है कि मैं ये बिल्डिंग आराम से बना सकता हूँ यूट्यूब से, तो ये सारा पैसा यूट्यूब की कमाई का है, तो ये यहीं से अर्निंग हुई है और इस बिल्डिंग में लग रही है। क्योंकि जो पुराना वाला मकान है वो रहने लायक नहीं है और उसमें ताऊजी रह रहे हैं, उसको हटाना बहुत कंपलसरी है क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है। अगर उसको नहीं हटाया तो फिर वो कभी भी गिर सकता है किसी के भी ऊपर, तो हटाना इसलिए कंपलसरी है। तो उसको हटा के उसको बाद में हटाएंगे जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, अभी तो फिलहाल इतना ही बना रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम किचन। वो मम्मी भी आ गई और लल्ली भी आ गई विजिट करने। हेलो लल्लू, इधर घुमाना था मुँह इसका, देखो ये भी विजिट करने आई है, अपनी कोठी देखने आई है, ये भी इसके लिए बन रही है, इसी को कमरा देंगे इधर। यहाँ पर ये हमारा लग रहा है 5th कॉलम और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जुगाड़ बिठाई गई है। फर्मा मिस्त्री जी ने नहीं मंगाया है, हालांकि इस वाले में फर्मा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट वाले उस वाले मकान में फर्मे का इस्तेमाल करेंगे, अब पता नहीं। इसकी मजबूती ज़्यादा मिलेगी, इसकी मजबूती ज़्यादा है उस फर्मे से, लेकिन यह है कि फर्मे में कॉलम जो है बहुत फ्रेश निकल के आता है, एकदम मस्त देखने में अच्छा लगता है। दीवारें फट जाती ना, साइड छोड़ जाती है, इसमें छोड़ेंगे दीवारें। अच्छा, अगर कोई बिल्डर देख रहा है तो थोड़ा हमें राय दें कि हमारे मिस्त्री जी जो है सही बता रहे हैं नहीं बता रहे। फिलहाल ये बहुत पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, कई जगह इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। ये भी बनना है ये वाला प्लॉट भी, लेकिन इस प्लॉट के लिए काफ़ी मोटा पैसा चाहिए। इधर पड़ोस में माल सारा इधर ही डलवाया था, पहले प्रोग्राम इसी को बनाने का था, इसको हटाने का रीज़न ये था कि अभी इसको नहीं बनाते, जिस दिन बनाएंगे इसको बढ़िया तरीके से बनाएंगे। 2 रुपया सस्ते के चक्कर में हमारी बैंड बज गई, हमें मंगाना चाहिए था गाँव के लोगों से जो उधर ही रहते हैं नदी के किनारे और डल्लब से लेके आते हैं, छोटा छोटा खनन करते हैं, वो नुकसान भी नहीं होता उससे, लेकिन ये साले परमिशन लेके आते हैं
मोटा माल लेके आते हैं, लेकिन 2 रुपए के चक्कर में कहीं से भी भर के ले आते हैं इट्टी मिट्टी वाला। भाई हमने तो नहा धो लिया है और ये देखिए मैं अपनी लल्ली को खिला रहा हूँ, साथ में ये बच्चे भी पीछे खेल रहे हैं और ये इनको नोटिस कर रही है। फिलहाल रेता सीमेंट वाले का कॉल आ गया है, वो उसका ट्रैक्टर वहाँ से निकल गया है। जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे उसको लगवाना है। तो अब लगवाने की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ रही है कि माल रखवाएंगे कहाँ, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, तो कहीं व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चलो फटाफट व्यवस्था देखते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि तरपाल लगा के माल सारा का सारा यहाँ लगवा देते हैं, इधर ट्रैक्टर भी खड़ा हो जाएगा और उधर साइड को माल लगवा देते हैं, और सामने ही बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ से लोगों को उठाने में भी आसानी हो जाएगी। तो आज है नेक्स्ट डे और ये देखो पूरी हमने निकलवा दी है, कपड़ेल सारी निकल गई है, बाकी का काम हो रहा है। और बारिश हो रही है, आज मौसम थोड़ा रंगीन है और गीला भी है। फिलहाल जाम टाइम जो है वो चाय का है, लोगों को चाय पिलाने जा रहा हूँ मैं। मौसम बहुत बढ़िया है आज काम करने के लिए, सब बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं पूरा गंदा हो गया हूँ, सुबह से मैं भी काम में लगा हूँ। पकौड़ी बना रही है बाहर, गर्मा गर्म पकौड़ी बारिश में, अब लेके जा रहे पकौड़ी। ये रही पकौड़ियाँ गर्मा गर्म, पूरी पलटन इधर इकट्ठी हो गई। चाय और पकौड़ी लो, ये बोरा भाई को ये चाहिए कि भाई बनाओ बढ़िया से, खा पियो मौज करो। तो आज का काम स्टार्ट हो गया है, आज यहाँ से वर्क स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रही थी लेकिन अभी सेटिंग कंप्लीट हो गई। फिलहाल आज छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आज नेचुरल बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया। गाइस काम हमारा ठेके का है, हमको पानी से भी मतलब है, ये पिए नहीं पिए, खाए नहीं खाए, लेकिन ये हम लोगों का अपना मतलब मेरा हमारे परिवार का ये अपना व्यवहार है। हमारे यहाँ जो भी आता काम करने, हम उसको रिश्तेदार या रिलेटिव की तरह ही रखते हैं। मतलब क्या है यार, मजदूरी करते हैं, पैसा एक अलग चीज़ है, व्यवहार और रिस्पेक्ट अपनी जगह है। काम तो होता रहता है, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन इज्जत और व्यवहार सभी के नसीब में नहीं है मेरे भाई। तो फिलहाल ये जो काम है आज ये भी स्टार्ट हो गया। कल पूरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि रात बहुत हो गई थी, बहुत सारा काम है उस टाइम, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो सारा काम चल रहा है, 2 दिन से बैंक की भी छुट्टी है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और संडे भी हो गया था, ईद हो गई थी, उसकी वजह से पैसा नहीं निकला। हल्द्वानी वाली रेत भी आ गई है जिसे ब्लैक रेत बोलते हैं, इससे चिनाई वगैरह बहुत अच्छी होती है और ये लेंटर के काम में भी आती है। तो लेंटर इसी का पड़ने वाला, हालांकि इसमें बजरी है तो मिस्त्री बोल रहे यार ये लेंटर में ले लेंगे लेकिन इसकी हम चिनाई नहीं करेंगे, और ये देखो कैसे देख रहा है। तो ये लेंटर के काम में आएगा, चिनाई के लिए जो जीरे वाली कटिंग होती है। क्या होता है कि माल कम लगता है और ईंट के नीचे बजरी नहीं आती है और चिनाई एकदम बराबर होती है, ये बार बार कन्नी से ना वो नहीं निकालनी पड़ती है बजरी, और बजरी का मोटा दाना है, इसी वजह से चिनाई में साग रह जाएगी और एक लेवल पे दीवार नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर जीरे का इस्तेमाल होता है। जीरे से क्या होता है कि जीरा एकदम लेवल में हो जाता है, मस्त चिनाई होती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है दीवार में, इसलिए मिस्त्री लोग उसको प्रेफर करते हैं। लुलाल अरे चाय पिएगा, पकौड़ी खाएगा, क्या करेगा भाई, ये देखो मस्त से सो रही है। ये देखो ये चाह रही है, काफी देर से लेटी हुई है, ये खेलना चाह रही है। हाँ हाँ, कह रही है गोद में ले लो, और देखो धूप निकलता रहता है। एक घंटे पहले यहाँ पर छत थी और आसमान नहीं दिखता था, और एक घंटे बाद यहाँ से देख रहे हैं आप, सुदामा जी का झोपड़ी बना दिया है इसको, और आसमान से आराम से तारे गिन सकते हो देखो। और ये देखो पूरा हटा दिया, कभी ये बहुत टाइम पहले जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, तो ये ऐसी ही हुआ करती थी, और यहाँ पर एक जो पुराने ज़माने का लाड़ू हुआ करता था, इस पर चढ़ के हम इस पर चढ़ते थे, और फिर यहाँ पर लौकी तुरई हुआ करती थी, हम उसको तोड़ते रहते थे, और आज ये सेम उसी कंडीशन में आ गई है। लेकिन अब इसका टाइम है अप टू डेट होने का, तो ये अप टू डेट हो जाएगी इसको सही करने के बाद। और ये देखो इधर कपड़ेल पड़ा हुआ करता था, सिर्फ एक चीज़ रह गई है, बाकी ये देखो सारा पूरा का पूरा कपड़ेल उतार के निकाल दिया, और वहाँ देखो मीटर का भी कहीं टंगा था, वहाँ मीटर टांग दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मीटर निकाल के, शायद टूट भी गया मुझे लग रहा है, पता नहीं।
सीमेंट की बोरी यहीं पे रह गई है। पूरी छत हटाई तो इसकी धूल निकल के, क्योंकि कच्ची थी मिट्टी वाली, तो उसकी सारी धूल अंदर वाले गेट से होते हुए अंदर वाले कमरे बेडरूम में चल गई। इतनी सारी धूल निकली, इतनी सारी धूल निकली, बहुत ज़्यादा। और ये देखो क्या हालत हो गई है यहाँ पर, कितनी धूल जमी हुई है। ये देखो क्या कंडीशन हो चुकी है घर की, और इनकी कंडीशन, ये साफ सुथरा घूम रहा है और कंडीशन, ये अवार्ड दे के आ रहा है स्कूल से। हो रही इस पेड़ की, जो छोटा वाला भाई है अनिल, वो कह रहा है इस पेड़ को मत कटाना, लेकिन मिस्त्री लोग कह रहे हैं कि इसको मुझे काटना ही पड़ेगा। और इसमें 24 आवर्स नींबू लगे रहते हैं। ये देखो अभी ख़त्म नहीं हुए थे, नए नींबू आ गए, देख रहे हो कितने सारे नींबू आए हुए हैं। लेकिन नुकसान तो हो जाएगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बचाने की कोशिश करेंगे। वैसे घर में जो है कटीले फल वाला जो पेड़ होता है वो नहीं रखना चाहिए। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, होप करता हूँ कि मज़ा आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराना चाहते हैं अपने घर का तो करा सकते हैं ठेके पे। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट नीचे कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि ठेके पे बात कैसे करनी है और कैसे ठेका करना है, कैसे स्क्वायर फीट में क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी अप टू डेट जानकारी दे दूंगा। और मौसम देख रहे हो भाई साहब, आसमान झकास, एक नंबर।